बीजापुर के तर्रेम में हुए नक्सली हमले को लेकर शहीद जवान के चाचा का बड़ा बयान सामने आया है। शहीद जवान भोजा राम के चाचा ने बताया कि नक्सलियों ने फोन कर जवानों को यहां आने की चुनौती दी थी। तर्रेम हमले से पहले नक्सली हिड़मा पुलिस को फोन कर रहा था। हिड़मा ने अपने इलाके में आने के लिए पुलिस को चुनौती दी थी, जिसकी जानकारी शहीद जवान भोजा राम ने अपने चाचा को पहले से ही दे दी थी। बता दें, नक्सली के इस खूनी खेल में 22 जवानों को शहादत मिली, वहीं एक जवान अब भी नक्सलियों के कब्जे में है, जिसकी जानकारी खुद नक्सलियों ने दी है। बता दें, जवान की 5 साल की बेटी अपने पिता का इंतजार कर रही है, वहीं परिजनों ने नक्सलियों से जवान की सकुशल रिहाई की मांग की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि नक्सलियों ने तर्रेम की धरती को जवानों के लहू से लाल किया हो। इससे पहले भी तर्रेम सड़क में 22 वर्ष पहले माओवादियों ने पहला बड़ा हमला किया था, जिसमें 17 जवान शहीद हो चुके थे। लेकिन दुख की बात यह है कि 22 बरस के बाद भी इनको कोई सबक नहीं मिला।